तो मेरे भाइयों अल्लाह के रास्ते में निकलो, हम जैसों को देखकर इबरत हासिल कर लो, हम जैसों को देखकर नसीहत पकड़ लो। हम तो नाचने गाने वाले थे, अल्लाह पाक ने कहां से उठाया कहां बिठा दिया, अभी भी नहीं हम लोग समझेंगे तो कब समझेंगे। नबी तो किसी ने आना नहीं, नबुवत के दरवाजे तो अल्लाह पाक ने बंद कर दिए, अल्लाह तो गिरे पड़ों को उठा उठा के आपके सामने दिखा रहा है। हमने तो चेहरों पर मेकअप सजाए हुए थे, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सजा ली। हमने तो सरों पर दुपट्टे सजाए हुए थे, आज अल्लाह पाक ने अमामे सजा दिए। जिन लोगों घरों में नाचने गाने जाते थे, आज दीन का पैगाम लेकर उन घरों में पहुंच रहे हैं। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। अगर आप लोग दीन का काम नहीं करोगे तो अल्लाह हम जैसों से दीन का काम लेगा। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। अब्रा के लश्कर को अल्लाह पाक ने परिंदों के जरिए अबाबील के जरिए हलाक किया और बैतुल्लाह शरीफ की हफाजत फरमाकर दिखाई। नमरूद को एक मच्छर के जरिए हलाक किया, जिस बादशाह के तख्त पर बैठकर वो सजदे करवाया करता था उसी बादशाह के तख्त पर बैठकर अल्लाह पाक ने उसके सर में छित्तर मरवा के दिखाए। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। हमने सब ने अल्लाह के पास लौट कर जाना है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकलमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। तो मेरे भाइयों हम तो मरने की तैयारी में लग चुके, अब सब भाई लगेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दीन का काम करेंगे ना इंशाल्लाह।